गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वीड साइंस या खरपतवार विज्ञान। अपनी 12वीं की आरबीएससी बुक का एनसीईआरटी आरबीएससी का महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इस टॉपिक में अपन खरपतवार की परिभाषा, इसका महत्व है, वर्गीकरण, इससे हानियां, नुकसान, इनसे संबंधित चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो खरपतवार विज्ञान के जो जनक हैं, खरपतवार विज्ञान के जो जनक हैं, जेंथ्रोटुल, खरपतवार विज्ञान के जनक हैं, खरपतवार विज्ञान के जनक जेंथ्रोटुल। यदि अपन बच्चों इसकी परिभाषा की बात करें, यदि अपन परिभाषा की बात करें तो डॉक्टर बिल के अनुसार खरपतवार अनावश्यक रूप से उगने वाले पौधे जो फसल की उत्पादकता को कम करते हैं। खरपतवार अनावश्यक रूप से फसल के बीच उगने वाले पौधे हैं जो फसल की उत्पादन को कम कर देते हैं। दूसरा अपन पढ़ें तो खरपतवार वह पौधे हैं जो अनावश्यक रूप से फसल के बीच उगते हैं तथा इसकी फसल की उत्पादकता को कम करते हैं। वीड ए प्लांट ग्रोन ऑन आउट ऑफ प्लेस एंड डिक्रीज इन टोटल क्रॉप प्रोडक्शन नाउ एज वीड। या आपने कह सकते हैं कि ब्रेंचले के अनुसार बात करें तो अनावश्यक रूप से उगने वाले पौधे ही खरपतवार हैं। अनवांटेड प्लांट इज वीड, या ऐसे पौधे जिसको जिस स्थान पर नहीं उगना चाहिए और यदि वो उगाते हैं और उत्पादकता को कम करते हैं तो खरपतवार कहलाते हैं। आंकड़ों के अनुसार यूँ कहा जाता है कि खरपतवार फसल के बीच उग करके फसल की उत्पादकता को 60-70% कम कर सकते हैं। सर्वाधिक नुकसान करने वाला फैक्टर है ये। परिभाषा अपनी क्लियर हुई। खरपतवार अनुसंधान केंद्र, यदि अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो यह जबलपुर एमपी में है। खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर एमपी में स्थित है। अब इसके यदि महत्व की बात की जाए कि 60-70% नुकसान है वो किस प्रकार से फसल के अंदर उग करके कर सकते हैं, तो अंकुरण प्रतिशतता अधिक, जैसा कि अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था अंकुरण प्रतिशतता के बारे में, खरपतवार के बीजों की अंकुरण प्रतिशतता फसल के बीजों की अपेक्षा अधिक होती है। द जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ वीड सीड मोर देन क्रॉप सीड। कैसे? फसल की यदि अपन बात करें तो फसल में अपने या क्रॉप की 60-90%, जैसे कपास और भिंडी की 60% अंकुरण प्रतिशतता होती है, मक्का की है वो 90% होती है, जबकि खरपतवार के बीजों की अंकुरण प्रतिशतता इससे भी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट पर यदि अपन बात करें तो बीजों की संख्या, इसके उदाहरण यदि अपन लें, खरपतवार के पौधों पर बीजों की संख्या बहुत अधिक है। जैसे अपन बात ले लें जंगली जलेबी की यदि अपन बात करें, या जंगली चौलाई की यदि अपन बात करें, तो जंगली चौलाई के पर बीजों की संख्या 196,000, बीजों की संख्या 196,000। दूसरा उदाहरण अपन हजार दाना का ले लें तो हजार दाना के ऊपरी बीजों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो पौधों की संख्या भी निश्चित रूप से ज़्यादा होगी। नंबर तीन पर यदि अपन बात करें अंकुरण क्षमता, जर्मिनेशन कैपेसिटी। अब अंकुरण क्षमता की यदि अपन बच्चों बात करें तो इस बात को आपको ध्यान से सुनना है। जैसे अपन ने अपन बात करें कि 2018 में अपन ने रबी ऋतु में गेहूं की बुआई करी, 2018 की खरीफ की जो ऋतु थी
उसमें अपन ने मूंग की बुआई करी। अब अपन ने देखा कि गेहूं के साथ हैं वो बथुआ, खरपतवार उगते हैं, मूंग के साथ बरू घास था ऋतु के अनुसार। अब बच्चों 2019 की बात अपन करते हैं, 2019 में अपन रबी में चने की बुआई करते हैं और खरीफ में अपन बाजरा की बुआई करते हैं। अपन ने ये देखा कि बथुआ का खरपतवार है वो चने के साथ था, बरू घास है वो बाजरा के साथ है। अब यहाँ आइडिया अपन लगा सकते हैं कि निश्चित रूप से कि जब 2018 में अपन ने फसल की बुआई करी थी तो खरपतवार के बथुआ के बीज जमीन में गिर गए होंगे। जैसे ही इनको सुटेबल एनवायरनमेंट मिला अपनी ग्रोथ करने के लिए तो ये ग्रोथ करने लगे, निश्चित रूप से यही हुआ। परंतु अब बथुआ ही गिरा था, कुछ बीज तो गेहूं के भी गिरे थे, नियम के अनुसार तो वो भी उगने चाहिए थे चने की फसल के साथ। यहाँ मूंग के साथ बरू घास था तो अगले साल बाजरा के साथ बरू घास ही उग रहा है, तो कुछ तो पौधे मूंग के भी उगने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इस बात से अपन स्पष्ट कर सकते हैं कि खरपतवार के बीजों की अंकुरण क्षमता फसल के बीजों की अपेक्षा अधिक होती है। नंबर 4 की यदि अपन बात करें तो कीट व रोग का प्रकोप, फसल की अपेक्षा खरपतवार के पौधों पर कीट व रोग का प्रकोप कम होता है तो इसलिए ये अधिक ग्रोथ कर सकते हैं। नंबर 5 पर यदि अपन बात करें तो जड़ों की गहराई डेप्थ ऑफ रूट, फसल के बीज जैसे अपन बात कर सकते हैं कि जो डीप रूट जोन वाले हैं जिसमें मूंग है, ग्वार है, चना है, सरसों है, ये डीप रूट जोन में आते हैं। सोलो रूट जोन में बाजरा, मक्का, गेहूं, जो जई, ये सोलो रूट जोन में आते हैं। जैसे अपन सट्टी घास का एग्जांपल लें तो सट्टी घास या जंगली तरबूज या तुम्बा है, उसकी जड़ें लगभग 3-3, 4-4 फीट गहरी चली जाती हैं। तो ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, जब तक मृदा के अंदर 4 फीट तक नमी है तब तक ये जीवित रह सकते हैं, जबकि फसल के पौधे ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि खरपतवार फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और प्रतिस्पर्धा में इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि इन सब के पास ऐसे गुण हैं जो फसल के बीजों के पास या फसल के पौधों के पास नहीं हैं। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि खरपतवार फसल के बीज में उग करके 60-70% तक उपज को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं बच्चों वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, सबसे पहले वर्गीकरण का वीड का जो प्रकार है अपन कह सकते हैं कि बेस्ट ऑन लीफ, पत्ती के आधार पर, पत्ती के आधार पर खरपतवारों को दो भागों में बांटा गया है, एक संकरी पत्ती के खरपतवार और दूसरा चौड़ी पत्ती के खरपतवार, थिन लीफ वीड एंड ब्रॉड लीफ वीड। अब संकरी पत्ती के खरपतवार कौन कौन से हैं और चौड़ी पत्ती के खरपतवार कौन कौन से हैं, इनके लिए एक छोटा सा अपन फॉर्मूला जैसे अपन पढ़ें कि जेके सीमेंट एक कंपनी है, इसका मनोज कुमार धाकड़ MKD मैनेजर है, घटिया सीमेंट देने के चक्कर में BPS वालों ने पीटा, HBM हमारी कृपा वाले भी मारेंगे। अब देखिए जिसको पीटा गया वो मार खा करके क्या हो गया, पतला हो गया, जिसने पीटा वो फूल करके पत्ते पर हो गए। तो MKD, M का मतलब है मोथा, संकरी पत्ती का खरपतवार है,
के का मतलब है कासनी, ये भी संक्रपति का खरपतवार है। डी का मतलब है दूबगाश, ये भी संक्रपति वाला खरपतवार है। ये जो बाहर हैं जे, जे का मतलब है जंगली चौलाई, जो चौड़ी पत्ती का खरपतवार है। कृष्ण नील संकरी पत्ती का खरपतवार है। बी बथुआ संकरी पत्ती का खरपतवार है। पत्थर चट्टा संकरी पत्ती का खरपतवार है। सेंजी घास संकरी पत्ती का खरपतवार है। एच हिरणखुरी संकरी पत्ती का खरपतवार है। बी बायसुरी संकरी पत्ती का खरपतवार है। एम मकोए, ये बी सॉरी चौड़ी पत्ती का खरपतवार है। तो ये जो तीन हैं एम के डी, मोथा कासनी और दूब घास, ये सारे संकरी पत्ती के खरपतवार। अब आप इस फॉर्मूले का मतलब ये नहीं कि इसमें जितने वीड हैं वो सारे आ गए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण खरपतवार है, जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, मोथा दे दिया और यूँ पूछते हैं निम्न में से कौन सा संकरी पत्ती का खरपतवार है, तो मोथा संकरी पत्ती का खरपतवार है, कासनी संकरी पत्ती का खरपतवार है, दूब घास भी संकरी पत्ती का खरपतवार है, जबकि जंगली चौलाई चौड़ी पत्ती का है, कृष्णनील चौड़ी पत्ती का है, बथुआ चौड़ी पत्ती का है, पत्थर चट्टा चौड़ी पत्ती का है, शेंजी घास चौड़ी पत्ती का है, हिरणखुरी चौड़ी पत्ती का है, बायसुरी और मकोय, ये सारे चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर यदि बच्चों चर्चा की जाए वर्गीकरण में, तो ऋतु के आधार पर खरपतवार को तीन भागों में बांटा गया है। एक रब्बी ऋतु के खरपतवार, यानी रब्बी की फसल के साथ उगते हैं और इसी के साथ नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण की यदि बात की जाए तो बथुआ इसके अंदर आता है, सत्यानाशी है रब्बी ऋतु का खरपतवार। खरीफ की यदि बात की जाए तो खरीफ में खरीफ की फसल के साथ उगते हैं और इसी के साथ नष्ट हो जाते हैं, जैसे बरू घास, गोखरू, ये खरीफ के खरपतवार हैं। ऋतु के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। उसके बाद प्रजनन के आधार पर कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो केवल बीज द्वारा ही नया पौधा तैयार कर सकते हैं, जैसे अपन बात करें गेहूं सा के बीज खेत में गिरेंगे तभी नया पौधा तैयार होगा, इसकी जड़ से तने से यानी अन्य किसी वनस्पतिक भाग से नए पौधे तैयार नहीं होते। तो ऐसे खरपतवारों को बीज बनने से पहले इनको रिमूव कर देना चाहिए खेत से। उसके बाद वनस्पतिक भाग से ऐसे खरपतवार जो वनस्पतिक भाग से वृद्धि करते हैं, जैसे अपन कह सकते हैं कि दूब घास वनस्पतिक भाग से वृद्धि करता है, हिरणखुरी वनस्पतिक भाग से वृद्धि करता है। नंबर तीन पर है बोथ सीड एंड वेजिटेटिव पार्ट, जो वनस्पतिक भाग और बीज दोनों से एक साथ वृद्धि करते हैं। इनके उदाहरण में मोथा ऐसा घास है जो बीज और वनस्पतिक भाग दोनों से वृद्धि करता है। तो खरपतवार के वर्गीकरण में अब तक अपन ने तीन पढ़े, पत्ती के आधार पर खरपतवारों को दो भागों में बांटा गया है, चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती के खरपतवार जिनके उदाहरण निम्न हैं, ऋतु के आधार पर रबी ऋतु के और खरीफ ऋतु के, उसके बाद प्रजनन के आधार पर तीन प्रकार से प्रजनन होता है, एक बीज से जैसे गेहूं सा या फेलेरियस माइनर इसका एग्जाम्पल है, वेजिटेटिव भाग से दूब ग्रास और हिरणखुरी, बोथ जो दोनों बीज और वनस्पतिक भाग दोनों से वृद्धि करते हैं इनके अंदर आ जाता है मोथा। आगे अपन बच्चों और चर्चा करें तो
अवधि के आधार पर, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। नंबर चार पर है अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर खरपतवारों को तीन भागों में बांटा गया है, एक एक वर्षीय खरपतवार, एक वर्षीय खरपतवार का मतलब है ये एक ऋतु के साथ उगने वाले खरपतवार हैं जो अपन ये कह सकते हैं कि एक वर्ष में अंकुर होकर के वृद्धि कर करके बीज उत्पादित भी कर देते हैं, जैसे गेहूं सा है एक वर्षीय खरपतवार, बथुआ एक वर्षीय खरपतवार, बरूगास एक वर्षीय खरपतवार है। फसल के साथ उगते हैं और उसी के साथ नष्ट हो जाते हैं, सब एक वर्षीय खरपतवार में आते हैं। दूसरा अपन बात करें द्विवर्षीय खरपतवार। द्विवर्षीय खरपतवार में यदि बच्चों बात की जाए तो एक साल तो ये वृद्धि करते हैं, दूसरे वर्ष बीज का उत्पादन करते हैं, द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं जंगली गोभी द्विवर्षीय खरपतवार। नंबर तीन अपन बात करें बच्चों तो बहुवर्षीय खरपतवार, जो दो या दो से अधिक वर्ष तक जीवित रहते हैं, जैसे आक, नागफनी बहुवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है। नंबर पांच पर यदि बात की जाए तो नकलची खरपतवार, जो मिमिक्री करते हैं, नकलची खरपतवार। पौधे के किसी भी वानस्पतिक भाग की नकल करते हों नकलची खरपतवार कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें गेहूं सा, यहाँ गेहूं सा का वैज्ञानिक नाम फेलेरिस माइनर है। फेलेरिस माइनर है वो गेहूं के पौधे की नकल करता है। यह भी बात महत्वपूर्ण है कि किस भाग की नकल करता है। दूसरा यदि अपन बात करें तो सत्यानाशी, सत्यानाशी का साइंटिफिक नेम होता है आर्जिमोना मेक्सिकोना। आर्जिमोना मेक्सिकोना यह सरसों के बीज की नकल करता है, सरसों के बीज की नकल करता है। यदि सरसों के तेल के साथ सत्यानाशी का तेल मिश्रित हो जाए तो ड्रॉपसी रोग होने की संभावना होती है। कौन सा रोग होने की संभावना होती है? ड्रॉपसी रोग होने की संभावना होती है। नंबर छः पर बात की जाए तो जलीय खरपतवार, एक्वेटिक वीड, ऐसे खरपतवार जो जलमग्न भूमि के अंदर वृद्धि करते हैं। इनके उदाहरण की यदि बात की जाए तो जलकुंभी और जंगली धान, जलकुंभी और जंगली धान जलीय खरपतवार का उदाहरण है। नंबर सात पर बात की जाए तो मरु खरपतवार या डेजर्ट वीड, ऐसे खरपतवार जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि कर लेते हैं तथा 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से कम वाली जलवायु में भी वृद्धि करने में सक्षम होते हैं, मरु खरपतवार या मरुस्थलीय खरपतवार कहलाते हैं। उदाहरण उनमें अपन पढ़ सकते हैं आक, सेवन घास और नागफनी, यह डेजर्ट वीड में आते हैं। उसके बाद नंबर आठ पर यदि बात की जाए तो सजावटी खरपतवार, जिनके ऊपर सुंदर पुष्प बनता हो, जिनका उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे स्टेशन या सड़क के किनारे पर सजावट के रूप में लगाने में किया जाता है, सजावटी या डेकोरेटिव वीड कहलाते हैं। उदाहरण में अपन पढ़ सकते हैं जरायन, जरायन का बोटनिकल नेम लेंटाना कैमरा होता है। जरायन का बोटनिकल नेम लेंटाना कैमरा होता है।
नेक्स्ट यदि बात की जाए तो जैसे जंगली जई, जंगली जई है वह कीट व रोगों को आकर्षित करती है, कीट आकर्षण का काम करती है। यहाँ तक अपना हुआ खरपतवार का वर्गीकरण, खरपतवार की परिभाषा और खरपतवार का वर्गीकरण। आगे अपन पढ़ने वाले हैं खरपतवार के लाभ, हानियाँ और फसल पर इनका और क्या क्या प्रभाव है। धन्यवाद।